देखिए ड्राइवर साहब को कैसे टॉयलेट कर रहे थे, ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ को सही किया जाए। देख रहे हैं ना किस तरह से टॉयलेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ गलत है सर, ये सब चीज़ बहुत गलत है। खुद गाड़ी का ड्राइवर है ये। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोग का? हम अंकित आपको एक वापस से न्यू ट्रेन जर्नी पर लेकर चलते हैं। आज आपका भाई का ट्रेन जर्नी होने वाला है ना 032-23 लोकल मेमो ट्रेन भाई, जो कि बिहार शरीफ जंक्शन से लेके फतुहा जंक्शन के बीच में चलती है, BESH से FUT के बीच में। और भाई बात करें इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन को इसलिए हम कवर कर रहे हैं क्योंकि भाई एक न्यू ट्रेन रूट से निकलती है, जो कि इसी बार आकर बिहार भारत का रेलवे मंत्री ने पटना जंक्शन से उद्घाटन किया था। तो चलिए आपको इस न्यू ट्रेन जर्नी को कवर करते हैं। और हाँ, पहला बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करिएगा। और हाँ भाई, सफ़र को एंजॉय करिए और देखिए कैसा ये ट्रेन रूट बना है, इसको कवर करते हैं। मात्र यहाँ से अभी 6 महीना पहले इसको ओपन किया गया था और अभी इस पर एक ट्रेन डेली रनिंग करती है, जो कि एक लोकल मेमो ट्रेन भाई। अपना ट्रेन का धीरे धीरे अराइवल हो चुका है बिहार से जंक्शन पे। लगता भाई चलिए। तो हाँ भाई, आप तो देख ही रहे हैं लोकल मेमो ट्रेन जिस तरह से होती है उसी तरह से है। देख ही रहे हैं बॉडी बनाने वाला जो सिस्टम है वो लगातार इसमें बना हुआ रहता है। लेकिन हाँ, हम इसलिए इस ट्रेन को कवर कर रहे हैं क्योंकि भाई ये एक न्यू ट्रेन रूट से निकलती है, इस वजह से। ये नहीं कि ये लोकल मेमो ट्रेन है, इस वजह से नहीं कवर कर रहे हैं। चलिए, हाँ आंटी यही है, तो चलिए देखते हैं इसको कवर लगातार करते हुए चलते हैं। और हाँ, इसका अगला स्टॉपेज जो है ना वहाँ पर आकर हम आपसे बात करते हैं, ठीक ना भाई? और यहाँ से इसका डिपार्चर दिखाते हैं, मिलते हैं आपसे अगला स्टॉपेज जो भी है, क्योंकि भाई इसका हम रूट तो गए नहीं है, न्यू रूट है। तो अभी हम इस पर पहला बार कवर कर रहे हैं इसको, अभी तक कोई किसी को पता भी नहीं होगा यार, क्योंकि इसका ट्रेन का टाइमिंग भी मालूम नहीं होगा। देख रहे हैं ना, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि पटना ये दनियावा वाला रूट है। तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको। और हाँ भाई, अपने ही ट्रेन के यहाँ से हो रही है डिपार्चर। और ये जो जितना भी क्राउड आप देख रहे हैं ना, ये सारा क्राउड है ना जो संजीवी एक्सप्रेस का क्राउड है। और देख रहे हैं ये न्यू प्लेटफॉर्म बनाया गया भाई, अभी ओपन ही किया गया, मात्र 6 महीना लगभग हुआ है। और देख लीजिए क्या हाल है, बनाया गया है और उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं, देख रहे हैं। और इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन यही है। इस ट्रेन का और इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नूरसराय हॉल्ट, जिसका जहां यहां पर इस ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है भाई। और इस हॉल्ट का हम बात करें तो बहुत ख़राब स्थिति में है यार। अभी मात्र 6 महीना से 1 साल के बीच में इस ट्रेन रूट को बनाया गया, उसके बाद भी इस रूट में कोई मेंटेनेंस नहीं भाई, एकदम 0% मेंटेनेंस है। इस वजह से इस ट्रेन का और इस लाइन का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम कभी कभी इस रूट पे भी ध्यान दे दीजिए।
और कहीं पे भी सिग्नल लाइट भी नहीं लगा हुआ भाई, कहीं पे भी सिग्नल लाइट नहीं लगा हुआ, बस अंदाज के थ्रू पे और वायरलेस के कारण बस लगाया गया। देख रहे हैं ना कितना ख़राब स्थिति है इस रूट का, बस ऐसे ही बोल दिया गया चलो सिग्नल हो गया। यहाँ पर ना ही सिग्नल कोई लाइट लगाया गया है, ना ही रेड, ना ही कोई हरा, बस ऐसा ही चल रहा है। और चलिए हम आपको आगे भी दिखाते हैं इस रूट में। इस रूट में इसीलिए हम आए भाई कि बोल सब बोल रहे थे कि इस रूट में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। और यहाँ से हो रही हमारी डिपार्चर देख ही रहे होंगे आप। और हाँ भाई, इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन चंडी हॉल, जहाँ पर भी हम अराइवल कर चुके हैं। और भाई इस रूट में बहुत जर्जर स्थिति है यार, मतलब कि इस रूट में बनाया गया रेलवे स्टेशन, उसके बाद इसको मेंटेनेंस ही नहीं किया गया और ना ही कोई इस रूट में ट्रेन दिया गया, बस एक मेमो ट्रेन दिया गया यार। हाँ भाई, इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन चंडी हॉल्ट, जिसका जहाँ पर कि बस एक ट्रेन आकर डेली ऑरिजिनेट तो टर्मिनेट तो होती नहीं है, बस एक और ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। और भाई बात करें इस चंडी हॉल्ट को, तो इसे बनाया गया उसके बाद इसे मेंटेनेंस ही नहीं किया गया, कोई मेंटेनेंस है, जीरो मेंटेनेंस है भाई। और इस रूट में कोई भी मेंटेनेंस के काम किया नहीं गया, इस वजह से इस रूट में देख सकते हैं प्लेटफॉर्म सब पूरा गंदा। और भाई यहाँ तक कि सिग्नल लाइट है ना, वो भी नहीं चालू किया गया ढंग से, उसे भी नहीं चालू किया गया। तो समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि घटिया स्थिति में भी है इस रूट में। और इस रूट में हमको बोला गया था बस कवर करने के लिए, तो भाई कवर तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस रूट को अभी तक के सही तरीक़े से चालू नहीं किया गया। और कोई भी ट्रेन नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात है कोई भी ट्रेन नहीं है, तो इधर भी ध्यान दे दीजिए कभी कभी DNR साहब, समझ रहे हैं ना। बस रूट को बनाने से थोड़ी होगा, रूट को मेंटेनेंस किया जाता है, वो नहीं है। तो देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं आप, सिग्नल लाइट इसमें नहीं लगा हुआ, बस ऐसे ही वायरलेस काम थोड़ी होता है, सेफ्टी भी तो है कुछ ज़रूरी। और अच्छा खासा क्राउड इसमें भी ट्रेवल कर रहा है, तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा देख रहे हैं तो आप इसको इस पर ध्यान दीजिए। वहाँ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुँच चुके हैं दनियावा जंक्शन, जिसका स्टेशन को होता है DHNA। नंबर और प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 3 है और ट्रैक की बात करें तो 4 है भाई। दनियावा को ओपन किया गया था 1996 ईस्वी में, इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2017 में। और ये रूट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई ये रूट में दो ट्रेन है जो कि महत्वपूर्ण चलती है। एक ट्रेन हो गया अपना मगध एक्सप्रेस और एक ट्रेन हो गया हटिया पटना इस्लामपुर। तो भाई इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में पंचुअलिटी है, आप इसे ट्रैवल करिए। और इस रूट को अभी न्यू ओपन ही किया गया है, जिस रूट से ये ट्रैवल करती है। तो लगभग देख रहे हैं ना कितना क्राउड है इस पर, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कम से कम इस रूट पर ध्यान दीजिए, और लगता है कि कोई ट्रेन आने वाली है, इस वजह से इसे सेंड किया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, इसका डिपार्चर दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे फतुहा जंक्शन पर। और हो रही है हमारी दनियावा जंक्शन से डिपार्चर।
मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक के लिए जय हिंद और लव यू।